रमज़ान स्पेशल सुपर सॉफ्ट अंदर से मखन मलाई की तरह बनने वाला ये चिकन पकौड़ा आपके दस्तःन को चार चांद लगा देगा बिस्मिल्लर अल्लाम व्यवर्स उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे मैं हूँ मरियम मकबर हमारे चैनल इसी कुकिंग में आपको खुश आमदीद आपके साथ शेयर करेंगे एक टिप जिससे आपका चिकन पकौड़ा बसार जैसा अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनेगा तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहाँ मैंने लिया है चिकन टू के जी और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद अब ये जो लेग पीस है इसको कट लगा देंगे इस तरह से इससे ये होगा कि जो हम मसाला लगाएंगे उसका ज़ायका चिकन के अंदर तक आएगा अगर आप ये कट नहीं लगाते हैं चिकन पीस पे तो इससे जो चिकन का जो फ्लेवर है अंदर तक नहीं आएगा तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरह से कट लगा लिया है और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है एक चम्मच ही हम इसमें बारीक पीसी हुई सब्ज मिर्च शामिल करेंगे एक चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही एक चम्मच नमक शामिल कर देंगे धनिया पाउडर शामिल करेंगे हम इसमें एक चम्मच और साथ ही एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे हाफ चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे बेकिंग सोडा चिकन को गलाने में काम आएगा तो यहाँ पे अब शामिल करेंगे हम इसमें हाफ़ चम्मच अजवाइन और हाफ़ चम्मच ही हम इसमें येलो फूड कलर शामिल करेंगे पसाज जैसी लुक देने के लिए दो टीस्पून स्पून मैंने यहाँ पर सिरका डाल दिया है और दो चम्मच ही हम इसमें लेमन जूस शामिल कर देंगे और यहाँ पर शामिल करें हम इसमें दो टेबल स्पून मैदा मैदे की हम इसमें कोटिंग करेंगे और दो चम्मच ही हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्न स्टार्च और अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिक्सिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि कोटिंग जो है वो एक जैसी ही तमाम चिकन पे हो तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है चिकन को और अब हम इसे एक घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे एक घंटे के बाद अब हम चिकन पे सफ़ेद तिल लगाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि तिल जो है वो तमाम चिकन पे एक तरह से लग जाए आपने तिल जो है जब आपने मैरिनेशन करनी है तब बिल्कुल नहीं लगाने और यहाँ पे तिल लगाने के बाद ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और गरम करने के बाद इसमें चिकन को ऐड कर देंगे ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म करने के बाद चिकन इसमें ऐड करना है तो अब आपके साथ शेयर करते हैं वो टिप जिससे आपका चिकन पकौड़ा जो है वो सॉफ़्ट और जूसी बनेगा तो टिप ये है कि हम चिकन पकौड़ा फ्राई करेंगे पैन को कवर करके ये पैन कवर करने से आपका चिकन पकौड़ा जो है वो अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेगा अक्सर लोग चिकन पकौड़ा बनाने के लिए पहले चिकन को बॉईल करते हैं ताकि चिकन अंदर से गल जाए जबकि ये तरीका जो है आप जब पैन को कवर करेंगे स्टीम में ही आपका चिकन पकौड़ा जो है वो सॉफ़्ट और जूसी हो जाएगा तो यहाँ पर ये दिखें हमारे चिकन पकौड़े की जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग आई है देखने में ही कितनी ज़बरदस्त लिख रही है तो यहाँ पे हमारा सॉफ्ट जूसी और अंदर से मखन मलाई की तरह चिकन पकौड़ा तैयार हो गया है तो यहाँ आपको चेक करवाते हैं कि हमारा चिकन जो है वो कितना सॉफ्ट और जूसी बना है देखें कितना मखन मलाई की तरह सॉफ़्ट है चिकन अंदर से बिल्कुल चिकन गल गया है ये सिर्फ़ स्टीम देने से आप इस तरह से मकर मलाई की तरह सॉफ़्ट चिकन बना सकते हैं इसके लिए आपको चिकन को अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको इसको मैरिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है तो ये चिकन पकौड़ा की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़